एक वर्ल्ड कप को होस्ट करके किसी कंट्री का क्या फायदा होता है? इंडिया में जल्द ही क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, तो उससे मेरा क्या फायदा? इनफैक्ट किसी भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को होस्ट करके किसी भी कंट्री का क्या फायदा होता है? सब जानना है इस बड़वे को। पहले तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स जानो। वर्ल्ड कप होस्ट करके सबसे पहले तो कमाई होती है स्टेडियम में टिकट्स बेच के, उसके बाद पैसे आते हैं स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेच के, फिर दूसरे देशों से जो वर्ल्ड कप देखने आएंगे उससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, और होस्टिंग की वजह से बहुत बार इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स भी होती हैं, और कभी कभार फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाती हैं देश में। अब नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले तो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन सुधरते हैं, उसके बाद होस्ट कंट्री के पास मौका होता है अपनी एक नई इमेज प्रेजेंट करने का, और इन सब की वजह से कहीं ना कहीं उस स्पोर्ट को भी बूस्ट मिलता है। पर ये फायदे उस देश को तभी मिलते हैं जब वो कंट्री एक्चुअल में होस्ट करती है उस टूर्नामेंट को। ये नहीं है कि होस्ट कंट्री बन के दूसरे देश खेलने जा रहे हैं मैच और जीत भी नहीं पा रहे। वैसे क्या चांसेस है इस बार इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के? कमेंट्स में बताओ। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर देना।